हाँ जी बेटा, विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2, 15 तक हमने कल कर लिए थे, अप टू 15, और मैंने कहा था नेक्स्ट ट्राई करना, ट्राई किए नहीं किए? वेरी गुड, मेरे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, क्या करें। चलो हम डिस्कस करते हैं 10.2 क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस सी व्हाट दे हैव रिटन। द लेंथ एल इन सेंटीमीटर्स ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। उसने कहा जो लेंथ है ना वो किसका लीनियर फंक्शन है, वो बेसिकली सेल्सियस पर डिपेंड करता है ना। तो दैट मींस इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल 124942 व्हेन सी इज 20, यानी ये एक्स की बात हो रही है, ये वाई की बात है। वैसे भी उसने बोला ना लेंथ इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, हम क्या कहते हैं वाई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, है ना। तो दैट मींस मेरे पास हो गए ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे उसने क्या दिया है कि लेंथ इज 125.134 व्हेन सी इज 110। उसने कहा एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, एल को इन टर्म्स ऑफ सी पे, यानी देखा जाए तो दिस इज 20.124.942, ये एक्स वन वाई वन हो गया, और 110.125.134 ये क्या हो गया बेटा, एक्स टू वाई टू हो गए। ओके तो बेटा क्लियर कट है, टू पॉइंट फॉर्म होगी ना। अब ये टू पॉइंट फॉर्म होगी तो मेरे पास 100% मैं क्या लगाऊंगी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू जो है एक्स माइनस एक्स वन। ओके बेटा सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर, हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलें बेटा आगे। ओके चलिए बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा, अब सेम क्वेश्चन है 17, ठीक है, आपको ट्राई करोगे, होमवर्क है। लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है, लेट अस सी इन द क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा इफ जो है पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। उसने कहा कि ये मेरे पास एक्सिस है, इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं ना फिक्स है, इसका मिड पॉइंट ए कॉमा बी है। ओके जी मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब उसने कहा शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो ये बननी चाहिए। आई हैव टू प्रूव कि ये लाइन की इक्वेशन जो है मेरे पास बननी चाहिए। अब बेटा क्लियर कट, अगर ये मेरे पास जो है इंटरसेप्ट फॉर्म है तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा। अब ये नहीं सोचना कि ये ए है ये बी, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो मिड पॉइंट दिया है। तो हम इसको क्या ले लें, इसको सी कॉमा जीरो ले लें, ठीक है, इसको जीरो कॉमा डी ले लें। अब क्योंकि इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो कहना ही राइट इक्वेशन मेरे पास जो है एक्स ओवर सी वाई ओवर डी इक्वल्स टू वन, मार्क दिस इक्वेशन वन हो गया। ए बी हमने ना सी और डी अपनी तरफ से लिया है, मैंने उसको क्या करना है खत्म करना है इलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगी। अब देखो ए और बी इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट दिया, तो दैट मींस सी प्लस जीरो बाय टू, जीरो प्लस डी बाय टू, ये किसके इक्वल है ए बी के, है कि नहीं। अब सी मेरे पास कंपेयर करूं तो सी किसके इक्वल आ गया टू ए के, डी किसके इक्वल आ गया टू बी के। मैं पुट कर दूं यहां, जब मैंने पुट किया यू सेकंड इन वन एक्स ओवर टू ए वाई ओवर टू बी इक्वल्स टू वन,
यहां से टू कॉमन ले लू, ठीक है बेटा, टू कॉमन लेके उधर चला जाएगा, तो मेरे पास x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू टू, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट टू एनी वन? विर्ति क्लियर? दिव्यांशी आर्यमान चले बेटा आगे, ठीक है जी, अर्गुन चलिए बेटा, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, फिर आ गया बिटवीन एक्सिस, तो दैट मींस दिस इज अ लाइन सेगमेंट पॉइंट आर। अब यहां बच्चे गलती करते हैं बेटा, ये पॉइंट एच कॉमा के है दिया हुआ है, ये डिवाइड करता है बिटवीन द एक्सिस इन 1:2, जब 1:2 दिया होता है ना, 99% बच्चे ऐसे लिखते हैं 1:2, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब हम एक्सिस की बात करते हैं, हम पहले कौन सा एक्सिस लेके आते हैं, एक्स एक्सिस, तो जो 1:2 है वो एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए, यानी अगर मैं ड्रॉ करूं तो इधर 1 इधर 2 पार्ट होना चाहिए, दिस इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, ओके। वहां लिखा है ना कि ये पॉइंट डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। अब 1:2 स्टैंडर्ड, जब भी हम बात करते हैं हम पहले कौन सी एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, इसका मतलब जो 1:2 है वो किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो 1:2 ऐसे हुआ, इज इट क्लियर। अब आगे उसने क्या कहा मेरे पास, हो गए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसने कहा कि इस लाइन की इक्वेशन लिखी। अब फिर वही बात मेरे पास हो है, मेरे पास ये एंड पॉइंट नहीं है, मैं ए कॉमा जीरो और ये 0, b ले लू, ठीक है, तो मेरे पास एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1 हो गया बेटा, हुआ क्या नहीं, मार्क दिस इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से ये पॉइंट कैलकुलेट करना, बट ये पॉइंट कितना दिया हुआ है एच कॉमा के, तो हम यूज करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0b a 0 2:1, अगर कोई बच्चा इसको इधर लिखेगा और इसको इधर लिखेगा तो अपने आप रेशियो क्या बन जाएगी, 1:2, ओके जी। दिस पॉइंट इज गिवन टू मी एच कॉमा के, अब बेटा 2a प्लस 1:0 ओवर 3 कॉमा मेरे पास 2:0 प्लस बी ओवर 3, बट ये कितना दिया हुआ मेरे पास जो है एच कॉमा के, तो बेटा कंपेयर करूंगी 2a/3 इज इक्वल टू एच, तो ए मैंने अपनी तरफ से लिया है, ओके ऐसे ही बी बाय थ्री इक्वल्स टू के, तो मेरे पास b इज इक्वल्स टू 3k, क्लियर, तो a और b की वैल्यू आ गई, क्या करें यहां वापस पुट कर दे, तो मेरे पास व्हाट आई विल गेट, x ओवर 3h बाय 2 वो ऊपर आ जाएगा, y ओवर 3k इक्वल्स टू 1। अब आपने ये 3 उधर कॉमन लेके जाना है, इट इज अप टू यू हाउ यू राइट द आंसर, ओके जी, समझ आ गया मेरा बेटा, एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट, चले आगे, ठीक है बेटा जी, चलिए नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेरी इजी, अगर मैंने ये प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर 3 पॉइंट्स, आप क्या करो किन्हीं 2 पॉइंट से लेकर किन्हीं 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये थर्ड पॉइंट उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बात क्लियर होगी बेटा, पुलकित क्लियर,
पक्का जी, चले आगे। चलिए अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, अभी तक हमने क्या किया बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हमें गिवन क्या, किसी में स्लोप दिया, किसी में पॉइंट दिया, किसी में टू पॉइंट दिए है ना, किसी में एक्स इंटरसेप्ट दे दी और स्लोप दे दी, किसी में वाई इंटरसेप्ट दे दी और स्लोप दे दी, किसी में दोनों इंटरसेप्ट दे दिए, किसी में मेरे पास जो है नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा वो दे दिया। ये सारे इक्वेशंस को आप जब भी सॉल्व करोगे ना, वो हमेशा पता आपको किस फॉर्म में आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, किसी फॉर्म में चेंज हो। अब अगर आपको एक इक्वेशन जर्नल फॉर्म में दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, आप से कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाओ, वैसे आप जा भी सकते हो। मान लो ये इक्वेशन दी है और मैं आपको कहूं कि मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में यही होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू वन होती है, तो पहले कांस्टेंट को देखिए, तो आप क्या कहते हो कि ये कांस्टेंट उधर गया तो 2x plus 5y, ये माइनस 7 हुआ। अब माइनस 7 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब मैंने डिवाइड किया ये क्या आ गया, 1 आ गया, x के साथ a नीचे होना चाहिए, तो यानी x over माइनस 7 by 2 plus y over माइनस 7 by 5 equals 1। समझ आ गई बेटी, क्लियर। तो किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक जो ट्रिक है वो कौन से में है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में अगर मुझे किसी भी एक जर्नल इक्वेशन को लिखना है तो मुझे एक स्टेप फॉलो करने ही पड़ते। और किसी में मान लो आपको जर्नल फॉर्म दिया और आपको कहा गया कि राइट इन नॉर्मल फॉर्म, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सी। मेरे पास जो है जैसे एक्सरसाइज 10.3 के हम क्वेश्चंस करते हैं, मैं उसी में आपको सारा ट्रिक बताऊं, ठीक है जी। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस रिड्यूस फॉर्म में है, तो वो ही हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट, अब अपने आप देखना बेटा, रिड्यूस द फॉलोइंग इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जिस बच्चे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही नहीं पता है वो कर पाएगा नहीं। सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y को एक तरफ रखना है ना मेरा जो एम है, तो मेरे पास हो गए एक्स प्लस 7y इक्वल टू जीरो। वाई वाली मैंने एक साइड पे रखा, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो 7 से मैं उसको 7 को उधर ट्रांसपोज कर दूं, हो गया कि नहीं, क्या फर्क है, यहां कुछ नहीं है, 0 लगा दो, आगे y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उस जो है सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब उसने कहा फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। आपको पता है कि अगर इस फॉर्म में है तो स्लोप होती है एक्स के आगे कोफिशिएंट और वाई इंटरसेप्ट होता है जो कांस्टेंट टर्म पर, आ गया कि नहीं। अच्छा अगर मुझे रिड्यूस नहीं करने को कहा जाता और सीधा कहते हैं कि राइट द स्लोप, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो तो स्लोप क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 माइनस 1 ओवर 7 आया, सेम कि नहीं। फिर मैंने आपको बताया था, उसने पूछा वाई इंटरसेप्ट, मैंने आपको बोला था वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को क्या पुट कर दो, 0, और अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0। अब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आई,
यहाँ पर भी जीरो है ना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है। अगर डायरेक्टली हो रहा है तो डायरेक्टली कर दो, नहीं तो उस फॉर्म में कन्वर्ट। समझ आ गई बात? चले आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? चलिए बेटा, अब नेक्स्ट मेरे पास जो है पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड और थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड राइट देयर इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस। ये तो अभी टाइप मैंने बताई, इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है? एक्स ओवर ए, वाई ओवर बी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म को वन बनाना। अभी हमने किया ना, तो क्या करेंगे? पहले इसको उधर ले जा, जब मैं उधर ले गई, 3x प्लस 2y 12, 12 से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो x ओवर 4 y ओवर 6 इक्वल्स टू 1। अब यहां से तो सीधा ही जो गए a 4 b 6, काम खत्म। अच्छा, अगर रिड्यूस करने को ना कहा जाता तो मैंने सीधा ही, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x को क्या कर दूंगी? जीरो। जब मैं x को यहां जीरो पुट करूं, देखो y अपने आप सिक्स आ रहा है। मैंने अगर जो गए यहां पर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को जीरो पुट किया, x कितना आ रहा है? फोर ही है। समझ आ गई बेटा बात? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? अब नेक्स्ट जो फॉर्म मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल फॉर्म के बारे में, इसके भी दो पार्ट, वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर सेकंड के, सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, हाँ जी। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना। उसने कहा रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। मैंने आपको पहले ही कहा कि नॉर्मल फॉर्म के लिए ना देयर आर सर्टन मेथड स्टेप्स, अगर आप वो फॉलो करोगे तो कभी भी गलती नहीं होती, ठीक है जी। उसने कहा कि पहले तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो ओरिजिन से, और एंगल भी बताओ नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहे। तो लेट अस सी, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, बट नेगेटिव ना बनाओ। अगर वो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव बनता है तो उसको मत ले जाओ, दूसरी टर्म्स को ले जाओ, या अगर बन भी गया तो बाद में नेगेटिव दूसरी तरफ ले जाओ। तो वी ऑलवेज मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो जो कांस्टेंट टर्म नॉर्मल फॉर्म, अगर मैं आपको बताऊं पी ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी हम नेगेटिव नहीं ले किसी, ठीक है। अब मैं अगर इसको उधर ले भी जाती हूं, ये नेगेटिव आ गया, मैं माइनस वन से क्या कर दू? मल्टीप्लाई कर दू, तो माइनस एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू, पहला स्टेप ये है। उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा या डब्ल्यू ओमेगा जो भी आप बोलते हो, क्या मेरे पास मेथड है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर के अंडर रूट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सेकेंड स्टेप, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। ये पहला स्टेप था, दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसको सॉल्व करूंगी, आंसर कितना आया? 2। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। ओके, जब मैंने डिवाइड किया, माइनस एक्स बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2 वाई इक्वल्स टू 4। यहां तक सबको पता चल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो बेटा, अगर मैं देखूं मेरे पास, कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से,
एक्स कॉस प्लस वाई साइन थीटा से, तो बेटा मेरे पास कॉस ओमेगा नेगेटिव आ रहा है, साइन ओमेगा क्या आ रहा है पॉजिटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव हो? सेकंड, अगर इससे नहीं देखना वैसे भी, एक्स नेगेटिव वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप कहोगे ओमेगा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात पता चल गई, ठीक है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये देखो आपको वो कॉम्प्लेक्स में हमने थोड़ा सा बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं पाई माइनस थीटा कर सकती हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई प्लस थीटा कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब देखो साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है? 60, थीटा होता है ना 60। तो अब मैं यहां पर क्लियर कट इसको लिख सकती हूँ कॉस, पहले चलो साइन लिख रहे थे, यहां पर मैं लिख सकती हूँ साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, इसकी जगह पे साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि क्या सॉल्व होके आएगा टू पाई बाय थ्री आया कि नहीं। तो यहां से बेटा मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई टू पाई बाय थ्री। इसको वेरीफाई जरूर किया करो, यहां पर भी सेकंड वाले में भी, यहां पर मेरे पास कॉस ओमेगा जो है वो माइनस वन बाय टू है कि नहीं है, है ना बेटा? चेक करो क्या मेरे पास टू पाई बाय थ्री पे आंसर माइनस वन बाय टू आता है, चेक करो। देखिए कॉस ओमेगा माइनस कॉस, हाँ जी, वन बाय टू कॉस पे कब होता है, कहां पर होता है? 60 पे, तो इसको पाई बाय थ्री लिख सकती हूँ, बट इस नेगेटिव को एडजस्ट करना है। माइनस कॉस थीटा कब होता है? जब कॉस पाई माइनस थीटा होता है, होता है क्या नहीं होता है कि नहीं? तो क्लियर कट यहां पर भी कॉस टू पाई बाय थ्री, यानी ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाय, ये सिर्फ चेकिंग करने के लिए मैंने बताया, हमने एक से निकाल दी वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया था कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर यहां पर जाना है तो टू पाई माइनस थीटा, यहां पर जाना है तो यहां पर जो है वो थीटा का थीटा ही रहता है, ओके? लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते थे, जो यहां होता है उसका नेगेटिव, यहां थीटा तो यहां माइनस पाई, यहां ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते, ओके जी, बात समझ आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, अब एंड में इसको फॉर्म में जरूर लिखना है, दैट मींस एक्स कॉस टू पाई बाय थ्री वाई साइन टू पाई बाय थ्री इक्वल्स टू फोर। यस, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन बनी जिसमें थीटा टू पाई बाय थ्री और डिस्टेंस कितना हो गया फोर, यानी अगर आप इसको सॉल्व करो ना तो यही इक्वेशन बनेगी, ओके? उसको सॉल्व करें, हम सारी वैल्यूज पुट करें तो आप चेक कर लेना, यू विल गेट द सेम इक्वेशन, ओके? चलो आगे बेटा, चलो एक और नॉर्मल फॉर्म का एक और करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल। चलिए y जो है थर्ड पार्ट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू फोर। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को उधर लेके जाना, यहां तो पहले ही उधर है और है भी पॉजिटिव, पहला स्टेप तो खत्म ही हो गया ना। सेकंड स्टेप में क्या करना था, डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट टू कर दे डिवाइड। जब मैंने डिवाइड किया
एक्स बाय रूट टू माइनस वाई बाय रूट टू इक्वल टू फोर बाय रूट टू। आपकी मर्जी है, आप इसको रैशनलाइज कर दो यहाँ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा पी। मेरा तो अब काम है एंगल निकालना। एक्स पॉजिटिव इधर होता है, वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब देखे तो मेरे पास जो है कॉस थीटा या ओमेगा वन बाय रूट टू और साइन ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा माइनस वन बाय रूट टू। ओके, इसको कई बच्चे जो है माइनस पाई बाय फोर भी लिख देते हैं, वो भी चलेगा क्योंकि कॉस ने नेगेटिव कंज्यूम कर लेना है, साइन ने वो बाहर ले आना है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। हम टू पाई माइनस थीटा करके भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो थीटा लेते हैं ना वो किससे डिफाइन करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो इसीलिए हमने नेगेटिव वाला अवॉइड कर देते। तो मैं इसको यहां पर लिख सकती हूँ, दैट इज दिस इंप्लाइज एक्स, पहले एंगल निकाल लें, साइन ओमेगा माइनस साइन पाई बाय फोर साइन टू पाई माइनस पाई बाय फोर। ओके जी, तो कितना आ गया साइन सेवन पाई बाय फोर। हाँ जी, तो वैल्यूज पुट कीजिए, एक्स कॉस सेवन पाई बाय फोर प्लस वाई साइन सेवन पाई बाय फोर इज इक्वल टू फोर बाय रूट टू। मैं रैशनलाइज कर दू तो ये बेटा टू रूट टू भी बन जाता है इधर। ओके, समझ आ गई बात, क्लियर। चलो अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा। बिल्कुल, तो वो नेगेटिव एडजस्ट करने के लिए तो हम एंगल निकालते हैं, क्योंकि आप अगर इस एंगल को सॉल्व करो अपने आप वो नेगेटिव बन जाएगा इधर, दैट्स व्हाट, ठीक है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ जी, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट माइनस वन कॉमा वन फ्रॉम अ लाइन। अब यहां ये कॉन्सेप्ट बताने लगी हूं, अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि अगर मुझे एक पॉइंट से एक लाइन पे बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं, पहले वो सीखेंगे फिर इसको अप्लाई करेंगे। सपोज मेरे पास हो गए, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मीन इट दिस पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द लाइन, मीन्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाला, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट है x1 y1, ये लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c equal to zero, तो ये d डिस्टेंस निकालना, दिस इज मॉड ऑफ, ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करवाओ, यानी x की जगह x1, y की जगह y1, a x1 plus b y1 plus c over under root of coefficient of x square plus coefficient of y square, this is the formula. For example, अगर इसी में मैं ये तभी लगा सकती हूँ अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ 12x plus 36 minus 5y और minus plus 10 equal to 0, 12x minus 5y plus 46 equal to 0. ओके, तो अब इस पॉइंट का इस लाइन पे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। अभी बताया
ये पॉइंट सेटिस्फाई कराए, है ना, तो क्या हो जाएगा डी डिस्टेंस 12 × −1 − 5 × 1 + 46 / √ (coefficient of x² coefficient of y². वही फॉर्मूला लगाया ना, बात समझ आई बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर? चले आगे, चलिए ठीक है। तो अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ। हाँ जी, यस यस यस, कैलकुलेशन देख लिया करो बाबू। अब ठीक है जी, वो ध्यान में कहीं कई बार कैलकुलेशन, बाकी तो ठीक है ना। 82, ओके जी, कैलकुलेशन यू कैन सी, मैथ्स वाले हम कैलकुलेशन नहीं, हमारा एम होता है आपको सिर्फ फटाफट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना बड़ी क्लास में, ठीक है ना, ओके चलो आगे। चलिए, पता चल गया ना ये नया फॉर्मूला। अच्छा एक और पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, यूज अगले क्वेश्चंस में होगा ताकि पूरे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस, और याद रखना जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं। ये देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी, वी ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन, इसका मतलब इनकी स्लोप क्या होगी? सेम होगी। अच्छा मान लो अगर ये इस फॉर्म में दिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डी है मॉड ऑफ c2 − c1 / √1 + m² लेकिन अगर वो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म में दिए कैसी? ax + by + c1 = 0 ax + by + c2 = 0 आप मुझे बता सकते हो मैंने ए बी ए एक्स बी वाई दोनों इक्वेशन में सेम क्यों लिया? यस बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप तो सेम ही आनी ना। तो इस केस में दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस c1 − c2 − c1 √ a² + b² हाँ जी, डिफरेंस कुछ भी नहीं, लाइंस पे डिपेंड करता है कि लाइंस कैसी थी। मैंने दोनों तरह से फॉर्मूले बता दिए, ओके क्लियर बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? सबको क्लियर है बेटा? ओके, होप वी विल मीट टुमारो एंड डू द रिमेनिंग क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस एक्सरसाइज, ओके क्लियर? गुड बाय मेरा बेटा।